अन्नदाता के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में विधायक दिनेश जैन बोस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विधानसभा क्षेत्र महितपुर के कांग्रेस जनों ने तहसील प्रांगण में एकत्रित होकर विगत 4 दिनों से विधानसभा क्षेत्र महितपुर सहित जिले के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही अतिवृष्टि से नष्ट हुई कृषि उपज सोयाबीन और अन्य फसलों के शीघ्र सर्वे करवाकर आपदा प्रबंधन कोटे से राहत राशि और बीमा राशि दिलवाने के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एसडीएम अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। विधायक दिनेश जैन बोस ने बताया कि वर्तमान में कृषि उपज की कटाई का कार्य खेतों में जारी है, किंतु विगत 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से खेतों में कटी हुई पड़ी कृषि उपज गीली होकर सड़ने लगी है और शेष काटने के लिए खड़ी हुई फसल उपज को निकालने का रास्ता पानी भर जाने से बाधित हो रहा है और अगर शीघ्र सर्वे नहीं किया जाता है तो किसानों को लाभ की बात तो दूर, लागत मूल्य भी निकाल पाना मुश्किल हो पाएगा। महितपुर के साथ ही उज्जैन जिले के समस्त किसानों की पीड़ा को देखते हुए उनकी ओर से शीघ्र राहत राशि देने का अनुरोध किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार और हिंदुस्तान के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कांग्रेस मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छल और कपट कर रहे हैं। मैंने नियम में पढ़ा है कि जब भी फसल आने का समय आया हो, 10 या 15 दिन फसल कटने का समय हो और कोई प्राकृतिक आपदा होती है जैसे पानी गिरना, ओले गिरना, तो उस समय राजकीय कोष में आपदा प्रबंधन का एक कोष होता है जिसमें किसानों को 15 दिन के अंदर ही राहत राशि देने का प्रावधान है। लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे कृषि मंत्री कभी भी राहत राशि से हमेशा किसानों को वंचित रखते हैं, और जब ये राहत राशि भी नहीं मिलती है और बीमा भी नहीं मिल पाता है, ये राहत राशि बचाने जाते हैं और हमारा बीमा भी खा जाते हैं। तो मेरी दोनों मांग है कि राहत राशि भी मिले और बीमा भी मिले, और जो 29 से 29 सीटें मध्य प्रदेश की लेने के बाद ये गुंगी बहरी सरकार और शिवराज जी जो हम केंद्र में बैठे हुए हैं, इनको किसानों की सूद लेना चाहिए और महतपुर तहसील पूरी विधानसभा के सभी किसानों को राहत राशि और बीमा दिलवाने का काम करे। 29 में से 29 सीटें लेने के बाद ये चैन की नींद सो रहा है और किसान यहाँ दर दर पे भटक रहा है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी राहत राशि का सर्वे कराया जाए, राहत राशि भी दी जाए और बीमा भी दिया जाए। कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।